सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। जी हाँ, वो कुशवाहा जो बीते कुछ दिनों से जेडीयू से नाराज बताए जा रहे थे, अब उन्हें सीएम नीतीश द्वारा दोबारा तरजीह दिया जा सकता है, वो भी बड़े पद के साथ। खबर के मुताबिक उन्हें सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बना सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायक भी मंत्री बनेंगे। दरअसल सरकार में एक डिप्टी सीएम का पद खाली है, क्योंकि इससे पहले एनडीए सरकार में आप देखें तो नीतीश कैबिनेट में दो दो डिप्टी सीएम। हालांकि इससे पहले बिहार के नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के सवाल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने इसे सिरे से खारिज किया था, लेकिन इस बार जब डिप्टी सीएम बनने का सवाल आया तो जवाब उन्होंने मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया। सरकार में किसको कहां रखा जाए नहीं रखा जाए यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी जरूर बनाई लेकिन रालोसपा का विलय उन्होंने जेडीयू में किया। जेडीयू में उन्हें नंबर दो की कुर्सी भी दी गई, उन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया, उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी नीतीश कुमार ने बनाया, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग रहे थे। अब खबर है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी और कांग्रेस कोटे से दो दो मंत्री बने। फिलहाल बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बात करें तो पांच विभाग हैं। यह पांचों विभाग शुरू से ही नीतीश कुमार के पास रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास भी पांच विभाग हैं, स्वास्थ्य, नगर विकास, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और पर्यटन विभाग जो है वो तेजस्वी यादव के जिम्मे है। ऐसे में कुशवाहा की एंट्री होती है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बिहार की तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।